पास भी गूगल एप्लीकेशन है, और जो कि इसमें आपने थंबनेल में देखा है, थंबनेल में देखने के बाद ही इस वीडियो को क्लिक किए हो, तो डरना नहीं है। जो चीज़ मैं थंबनेल में लिखा हूँ वही चीज़ आपके स्क्रीन पर इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट दिखेगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर दोगे तो आप बाद में कमेंट में गाली दोगे जाओगे कि आपने वीडियो में कुछ रॉन्ग पार्ट ऐड किए थे अलग से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्किप कर नहीं करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि वीडियो कहीं पर कट हुआ या नहीं। वीडियो मैं कंटिन्यू यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के सामने मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप पुराने से पुराने गूगल पे के अंदर किस तरीके से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखेंगे। क्योंकि आप काफ़ी सारे को कमेंट आ रहा था कि मैं गूगल पे हिस्ट्री नहीं मिल रहा, एक साल का मिल रहा, सिक्स मंथ का मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है, जिस दिन से आपने गूगल पे अकाउंट क्रिएट किया है उस दिन से लेके अभी तक का पूरा हिस्ट्री आपके गूगल पे रखता है। बट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से देखा जाएगा और इसके पीछे का कौन कौन से आप गलती कर रहे हो, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बात करते हैं प्रोसेस के, इसके लिए चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स सबसे पहले तो अपने डिवाइस में गूगल पे जो एप्लीकेशन है ऑफिशियल उसको ओपन करना है, और ओपन कर लेने के बाद इस तरीके से यूजर इंटरफेस होगा, लॉक किए होंगे तो उसको अनलॉक कर लेना। अब यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट इंटरफेस आ चुका है। फ्रेंड्स मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ चैट हिस्ट्री। बहुत लोग कमेंट करके गाली भी देते हैं, बोलते हैं कि झूठ है, फेक है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप लोग अच्छे से देखिएगा। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो करनी होगी, जो समझनी होगी। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए आप मोबाइल को रिसेट किए हो या इस एप्लीकेशन को किसी रीज़न से अनइंस्टॉल करना पड़ गया हो, तो बट उसके बाद जो लोग लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कुछ अलग इंटर करके कर लेते हैं, और बाद में बोलते हैं कि मेरे सारे पुराने हिस्ट्री गायब हो गए, नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड देखिए गूगल पे सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम काम करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे डिवाइस में कुछ अलग काम कर रहा, आपके डिवाइस के अंदर कुछ अलग काम कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक कारण आप लोगों का हिस्ट्री यहाँ पर नहीं दिखता है। देखिए आपको लोगों पर टैप करना है, और टैप करने के बाद आपका जो यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर जी मेल आईडी है, ये हमेशा याद कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मोबाइल को रिसेट किया हो या ये एप्लीकेशन को डिलीट किया हो तो दोबारा से लॉगिन करने के लिए सेम यही जीमेल आईडी, सेम मोबाइल नंबर को आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप इसमें से कोई दोनों में से कोई भी एक चीज़ को चेंज कर लेते हो तो आपका न्यू हिस्ट्री शो होगा, ना कि ओल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, तभी ये ट्रिक काम करेगी, तभी आप पुराने से पुराने अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देख सकते हो। तो अब बात करते हैं देखने के लिए प्रोसेस के, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे यहाँ पर तो आपको नीचे ही मिलेगा ऑप्शन चेक बैंक बैलेंस शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो मैं यहाँ से सिंपल बैक कर ले रहा हूँ, टाइप कर ले रहा हूँ, और टाइप करने के बाद मैं सबसे लेस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोग का अच्छे से बिलीव हो जाए। सबसे मैं लास्ट स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ वीडियो को स्किप भी नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे इसमें कोई रॉन्ग वीडियो को ऐड करके ये बेवकूफ बना रहा है। तो आप बस वीडियो कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और ऐसे भी मैं इस चैनल पर ज़्यादातर बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये मेरे बहुत पुराने पुराने यहाँ पर हिस्ट्री दिखा रहे हैं, सबसे मैं लास्ट हिस्ट्री आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से बिलीव कर पाओ इस वीडियो के ऊपर, ताकि मैं यहाँ पे मैं भी प्रूफ कर पाऊँ कि हाँ मैं कितना दिन पहले का हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा June 17, 2018 3:21, ठीक है। यहाँ आप लोग अच्छे से देख लीजिए वीडियो को हाई क्वालिटी पे करके, जैसे 360p पे करके आप देखोगे आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे दोनों तीनों हिस्ट्री जो 18-18 दिखा रहे हैं यहाँ पे सभी 18 का है, ठीक है। स्क्रॉल करके और भी नीचे मैं आ रहा हूँ तो भी 18 का दिखा रहा, 18 यहाँ पे देखिए 19 का भी, 18 का भी ऐसा दिखा रहा। अब सबसे ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब ऊपर में सबसे हाईएस्ट कितना तक हिस्ट्री यहाँ पे ये लोग कैच करके रखते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा 2023 चल रहा है, यहाँ पे 2023 दिखाएगा, देखिए 18 मई 2023, मतलब अभी मैंने अभी आपको दिखाया 2018 ईयर्स, यहाँ पे 2023, मतलब 18, 2, 20, 3, मतलब टोटल 5 ईयर्स का हिस्ट्री यहाँ पे मैंने आप लोगों को सामने दिखाया। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं दिखता है, दिखता है, बट आपको वो जीमेल आईडी मोबाइल नंबर जिससे आपने अकाउंट फर्स्ट टाइम क्रिएट किए थे वो सारा कुछ अभी भी यही रहना चाहिए, तभी आपको हिस्ट्री दिखेगा। चाहे वो 10 साल से आप गूगल पे चला रहे हो तो 10 साल का हिस्ट्री आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। मैं जितना दिन पहले से आप गूगल पे अकाउंट क्रिएट क्यों उसी दिन तक अभी भी हिस्ट्री मेरा दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे डायलर पैड में क्या होता है, जैसे हम कॉल करते हैं तो कॉल हिस्ट्री पीछे से ऑटोमेटिक मतलब डिलीट होता रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। गूगल का है, फेक नहीं है, इस सारे हिस्ट्री को अभी तक रिस्टोर करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप पहले देखिए कि आपका रजिस्टर जीमेल आईडी रजिस्टर मोबाइल नंबर क्या है, उसको लॉगिन कीजिए, सारे के सारे ओल्ड हिस्ट्री आपको 100% देखने को मिलेंगे। तभी आपके आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलता है एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।